अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम रोल प्ले कर रहे हैं फ्रैंकलिन का, जिसमें इस वीडियो में फ्रैंकलिन आपको बताएगा कि उसका पूरा दिन कैसे गुजरता है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर ही खड़ा है फ्रैंकलिन का बाइक, तो उस पर जाएगा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जॉब करता है, इधर एक कैब स्टैंड है, तो वो कंपनी आप समझ लें छोटी सी। उधर फ्रैंकलिन ड्राइवर है, तो वो मंथली इनकम पे है, इससे फिर सैलरी मिलती है वो। तो बस अब चलते हैं यहाँ से। इसके घर से तकरीबन 15 से 20 मिनट का ज़्यादा रास्ता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम होता है इस एरिया पे, तो जल्दी पहुँच जाता है। इस पर बाइक है वैसे भी, तो बाइक पे बंदे को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। फ्रेंड्स, आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करा दें। और बस चलें, अब आप वीडियो एंजॉय करें। तो बस अब हम जा रहे हैं जॉब पे अपनी। वैसे फ्रैंकलिन जॉब कर रहा है, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए कर रहा है। वैसे किसी को शौक होता है ऐसे जॉब करे। तो इसका एक दोस्त है लमार, उसने इसको एक बड़ा अच्छा तरीका बताया है। अच्छा तो नहीं, यानी जैसे फ्रैंकलिन बंदा है इसको सूट करता है, तो जैसे काम वगैरह करता है, तो आपको पता ही होगा। तो वो अब इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आएगी उस पर भी, तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है, वो भी आपको अच्छी लगेगी काफ़ी। क्योंकि उसके वो जो दोस्त है लमार, उसने इसको कहा तुम अगर वो काम कर लो तो मैं कहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। तो वो फ्रैंकलिन सोचा हुआ अगर तो सक्सीड हो गया उसमें, फिर ये इंशाल्लाह ताला अपना कोई बिज़नेस शुरू करेगा अच्छा सा। तो फ्रेंड्स, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत ग्लिच आता है, तो ये असल मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से है थोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको भी मैं ठीक कर लूँगा, इसलिए आप इस ग्लिच को इग्नोर कीजिएगा। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं, इधर पार्किंग में पार्क करते हैं अपना बाइक और निकलते हैं अब। चलो जी, ओहो बाइक गिर गया, चलो कोई नहीं यार, खैर है, चलते हैं यार इधर से। हेलमेट तो उतार लें पहले। ओहो चलो निकलते हैं यार, हेलमेट ही नहीं उतारा, दोबारा उतर निकलाते हैं। ठहर, हेलमेट उतार लें ज़रा जी। चलो जी ये, और चलो, ओहो नहीं निकल तो गया। चलो ठहरे यार, हेलमेट उतार लेते हैं। तो चलो जी, बस ये उतर गया हेलमेट, अब बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। राइड्स हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, तो चले चेक कर लेते हैं पहले। तो चलो निकलते हैं, देखते हैं हमें पास राइड मिलती है तो बस निकलते हैं। इधर से भी क्लियर है रास्ता, क्योंकि यार बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है, क्योंकि अपनी गाड़ी तो है नहीं, तो इसलिए। चलो भाई पास ही चलते हैं। चलो यार, फ्रैंकलिन ने बस थोड़े से पैसे जोड़े, इसने फिर अपनी गाड़ी ले ली, फिर ये सोच रहा है कि उसको खुद राइड वगैरह भी किया करेगा, उसकी भी इंशाल्लाह वीडियोस आया करेंगी, तो वो भी आप जरूर देखनी है। चलो जी, हम पहुंच चुके हैं और इन बाइक को लेते हैं। Let's get this chariot in motion. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। ये जान कैसे हैं? जी भाई मैं ठीक, आप ठीक हैं? जी भाई अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई जान, किधर जाना है आपने इधर से? भाई जान इधर से आगे से लेफ्ट ले लें। जी ठीक है भाई जान, आगे से अब ये जो चौक आएगा ना, चौक से आपने राइट हो जाना है। ठीक ठीक भाई जान, आप किधर रहते हैं? इसी सिटी में? जी मैं इधर ही थोड़ा सा करीब ही रहता हूँ, समझ लें आप बहुत करीब यहाँ से। पुराना मोहल्ले का तो पता ही होगा आपको, उधर एक बड़ा मशहूर सर्विस स्टेशन भी है जिस साइड पे गाड़ियों का।
जी भाईजान पता है। ठीक 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 अच्छा उधर रहते हैं। ठीक 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 हाँ मेरे मामू हैं उनका भी घर उधर ही है। अच्छा सही सही सही। क्या नाम है आपके मामू का? मेरे मामू का नाम है जी फयाज अवान। अच्छा फयाज अवान आपके मामू हैं? जी जी भाईजान फयाज अवान मेरे मामू हैं। अच्छा 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 जी जी मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। वो चर्च के सामने मेरे ख्याल से जिनका घर है। बिल्कुल जी जी मैं समझ गया हूँ। हाँ वही जी भाईजान उनकी वो गैराज टाइप है उधर एक गाड़ी खड़ी है बहुत हमारे पुराने मेरे परदादा की उस पर हमने कवर दिया ब्लू वाला। जी जी मुझे समझ आ गई। ठीक 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 चलें जी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह दोबारा अगर इतफाक हुआ तो दोबारा मिलेंगे। जी भाईजान ज़रूर क्यों नहीं। बस भाईजान पहुँचने ही वाले हैं हम। भाई यहाँ से आपने सीधा जा कर ना मुझे लेफ्ट साइड पे उतार दें। चलें ठीक है मैं आपको उतार देता हूँ। आगे से जा कर लेफ्ट ये थोड़ा सा चौक सा है ना इधर से उस साइड पे होकर और उस साइड पे दूसरी जी आ गए यहाँ पे थोड़ा। चलें ठीक ठीक मैं समझ आ गई। ठीक भाईजान आपका नाम? जी भाई मेरा नाम है फ्रैंकलिन। अच्छा 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 चले मैं अपने मामू से तो पूछूंगा आपको जानते होंगे। जी जी फयाज भाई तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं हमें बल्कि हम अक्सर सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी इकट्ठे ही जाते हैं। अच्छा 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 सही सही सही। इधर से आगे से राइट? जी जी भाईजान राइट हो जाए इधर से। अच्छा ठीक ठीक समझ आ गई। भाईजान इधर चौक में ना लेफ्ट साइड पर मुझे उतार दें इधर। तो भाईजान इधर लेफ्ट साइड पर? जी जी भाई इधर आगे थोड़ा सा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक बस भाईजान इधर लेफ्ट साइड पर उतार दें। जी जी भाई मैं उतार रहा हूँ गाड़ी आगे आगे से। ठीक है भाईजान थैंक यू अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई ओके जी अल्लाह हाफिज़। वाह बंदा तो ठीक था यार बातें बहुत कर रहा था कसम से। बहुत डिस्टर्ब होता हूँ मैं जब कोई ऐसी सवारी बैठ जाए साथ तो। बंदा अच्छा था यार नो डाउट नेचर वाइज बहुत अच्छा था। चले जी अब हम दूसरी भी राइड पास पहुँच ही चुके हैं अब इसको पिक करते हैं और भाई देखते हैं किसने किसने जाना है। अच्छा इसने बंदे ने सलाम अलैकुम। जी भाई वालेकुम सलाम भाईजान कैसे हैं? जी भाई मैं ठीक भाईजान मुझे आप ले जाएं पहाड़ी इलाके में। अच्छा भाईजान पहाड़ी इलाका तो बहुत है इधर। नहीं नहीं भाईजान पहाड़ी इलाका उस साइड पे लास्ट सेंटास का जो ऊपर वाला एरिया नहीं बनता। भाईजान कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं समझ नहीं आ रही। भाईजान माल भी है जिधर बहुत बड़ा सा। अच्छा ठीक 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 भाई मुझे समझ आ गई। ठीक 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 भाईजान समझ आ गई मैं चला जाता हूँ। बस पहुँचते हैं यहाँ उधर ही हम तो ये वाला इधर से लेफ्ट साइड पे भाईजान जी माल है। जी जी भाईजान यही वाला भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं भाई कोई मसला ही नहीं चलें ठीक है भाईजान अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। चलो भाई ये भी अच्छे पैसे दे गए यार। वैसे माइकल के इलाके में ही आए हुए हैं तो देखते हैं अगर माइकल घर पे हो तो उससे भी मिल ही जाते हैं। ऐसा इतफाक हो ही गया आज तो यार इतना बिजी होता है फ्रैंकलिन भी और माइकल भी बिजी है तो कहाँ मिलना होता है ऐसा। देखते हैं अगर घर हुआ तो मिल जाते हैं उससे। गाड़ी बाहर ही पार्क करते हैं कि बार बार क्या अंदर बाहर करनी गाड़ी इधर ही लगाते हैं साथ रोड ब्लॉक ना थोड़ी साइड पे करके लगा देते हैं। बस इधर ठीक है तो भाई अब देखते हैं जाके कि माइकल घर पे है या नहीं क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई तो है एक माइकल की। असल माइकल की पर्सनल कार है वाइट वाली ज़्यादा वो यूज़ करता है। नहीं ओहो नहीं है चलो देख लेते हैं शायद जिमी ना गया हो लेके। चलो मैं देख लेता हूँ यहाँ स्टोर से। माइकल माइकल माइकल
नहीं यार आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब है कोई भी घर पे नहीं है। चलो कोई नहीं यार, फिर कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो दोबारा आ जाएंगे। चलो भाई बस अब हम निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं अगर एक और राइड मिल जाए यहाँ पास से तो उसको भी पिक कर लेते हैं। भाई पहले उसको मैं ठहरे ऑपरेटर को कहूँ कि मुझे बताए यार। How's it looking out there, dispatch? तो भाई इसमें यार ये बड़ा मसला है, से करना पड़ता है। You can get that one इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अब उबर चलाना शुरू करूँगा। तो पैसे जोड़ लो फिर मैं अपनी गाड़ी लेके ना फिर मैं उबर चलाना करूँगा। तो भाई यहाँ से मुड़ते हैं और अब चलते हैं उस राइडर के पास। यहाँ पे किस साइड पे अच्छा राइट साइड में इधर से। अच्छा ये तो वही तो नहीं है जिसको वहाँ उतारा है? नहीं ये वो कोई और लग रहा है मुझे, वो कुछ सामने उतारा था। इधर कोई पास किधर है जी? तो किधर गया है? अच्छा ये है ये। जी भाई जान आ जाए। Cool, let's go. Hello. जी भाई क्या हाल है? I'm fine. How are you? जी भाई मैं भी ठीक। Can't you speak English? नहीं नहीं भाई English बोल सकते हैं। नहीं मुझे भी थोड़ा बहुत उर्दू आता है। अच्छा ये उर्दू में आप बात कर लें ईजी हो जाएगा। भाईजान मुझे आपने उतारना है वाइनवुड हिल्स के पास। ठीक है भाईजान इधर से लेफ्ट हो जाए ना तो ऊपर हो जाए थोड़े से तो इधर एक वो मैंने बायर कस्टमर समझ लें तो वो एक है उनकी मैंने OLX पे गाड़ी देखी थी तो वो मैंने गाड़ी देखने जाना है इधर साथ। भाईजान इधर से लेफ्ट हो जाए। जी भाई ठीक है इधर से भाई जान ये जो लेफ्ट साइड पे ऊपर सड़क जा रही है ना इधर चले जाएं वाइनवुड हिल्स वाली साइड पे। ठीक है भाई जान ठीक। आपको किस जगह उतारना है? इधर किसी लेन में या बाहर? नहीं भाई जान इधर एक फ्रूट का ठेला है बड़ा मशहूर ठेला है तो उधर आप मुझे उतार दें। ठीक है भाई जान मुझे बता दीजिएगा क्योंकि मैं नए हूँ इस इलाके में। भाई जान ये लेफ्ट साइड पर इधर ही उतार दें। इधर? जी भाई इधर ही। ठीक ठीक चले भाई जान गाड़ी तो पार्क करने देते। चलो कोई नहीं यार अल्लाह हाफिज़। चलो यार ये अच्छी राइड थी यार। चलो बस अब निकलते हैं तो वापस चलते हैं और इसको पार्क करते हैं गाड़ी और वहाँ से अपना बाइक लेते हैं और घर की तरफ चलते हैं। तो भाई चले हम पहुँच चुके हैं इधर और गाड़ी पार्क करते हैं। वो काफ़ी सारे लोग वापस आ गए हैं तो क्योंकि तो यार उनके वर्किंग आवर्स थोड़े कम है ना तो फिर इसलिए लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लोग चलाते हैं। बस ठीक है अभी खड़ी रहेगी इधर ही और वैसे भी बल्कि आज ही चलो मैं ठहरू तुम्हारे मैनेजर खड़ा है कंपनी का से बता दूँ। जी भाई जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई वो ऐसे है कि आज मेरे $500 हुए हैं। भाई बात तो सुन लें। ओ भाई बाद में सुन लेंगे यार तूने हर वक्त पैसे की बात करनी होती है। अच्छा चलें यार कोई नहीं बाद में बात कर लेंगे। चलें यार बस अब घर के लिए निकलते हैं। चलें आज काफ़ी हमने राइड पिक कर लिए हैं बस निकलते हैं घर के लिए इधर से। वही चलें भाई आपने ज़रूर बताना ये ग्राफिक्स कैसे आ रहे हैं। अच्छा क्योंकि मैंने ग्राफिक्स का मोड डाला हुआ इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा बहुत। अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट्स में बता दें कोई भी गाड़ी पे जो भी लगा नंबर वगैरह तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो भी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी। और मुझे आप भी तो आइडियाज़ दें कि आपको किस टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हैं ताकि मैं उस टाइप की वीडियोस बनाऊं। और चले हम घर पहुंच चुके हैं काफ़ी सारा लंबा रास्ता था फिर इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो को एडिट करके क्रॉप कर दिया। तो बाइक को पार्क करते हैं इधर बस निकलते हैं भाई इधर ही। बस इधर ही एक पास फ्रैंकलिन का काम है इधर चलते हैं। ओहो यार ये एक तो बंदा। चलो कोई नहीं इधर चलते हैं यार वो साथ ही इसने एक दोस्त के पास जाना है। हेलमेट उतार दें ज़रा। तो चलें गाइस आज तक की वीडियो यहाँ तक ही थी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।